नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Honor 200 Pro 5G वर्सेस Xiaomi 14 Ultra G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 200 Pro में 6.43 इंच जबकि 14 Ultra में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 200 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 200 Pro में 0.32 इंच जबकि 14 Ultra में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 200 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 200 Pro में 199 ग्राम्स जबकि 14 Ultra में 219.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 200 Pro से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 200 Pro में OLED जबकि 14 Ultra में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 200 Pro में 6.78 इंचेस जबकि 14 Ultra में 6.73 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 200 Pro में 1224x2700px FHD+ और 14 Ultra में 1440x3200px QHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 200 Pro में 90.38% जबकि 14 Ultra में 89.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 200 Pro में 437 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 14 Ultra में 521 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 200 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 14 Ultra की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MPF 1.6 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 23 mm फोकल लेंथ कैरेट 1 tilde सेंसर साइज 50 MPF 1.8 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 12 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MPF 1.8 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 75 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MP 120 mm फोकल लेंथ देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 200 Pro में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 14 Ultra की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 200 Pro में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 14 Ultra में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 200 Pro में Adreno 735 जबकि 14 Ultra में Adreno 750 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 200 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 14 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 200 Pro में 12 GB जबकि 14 Ultra में 16 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 512 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 200 Pro में 5200 mAh जबकि 14 Ultra में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 200 प्रो 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें 14 अल्ट्रा की तो वो 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 74,890 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 14 अल्ट्रा आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 14 अल्ट्रा आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V35G है, दूसरा Samsung Galaxy S24 5G है, तीसरा Xiaomi 14 Series 5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।